सो हाई फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माई ब्लॉग चैनल गाइड्स, इट्स मी अथर्व। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। सो गाइस, ब्लॉग काफ़ी दिन बाद आ रहा है बिकॉज गाइस मैं कुछ शूट नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो गाइस कुछ शूट करते हैं। एंड गाइस आज मौसम गाइस काफ़ी अच्छा हुआ, देख सकते हो आप लोग गाइस पूरा बादल मतलब घिर चुका है एंड लग रहा है गाइस बारिश आने वाली है। एक मिनट। सो गाइस ये मेरे भैया भैया, हाय करो ब्लॉग में, हाउ आर यू। आइए, तो अभी गाइस मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है एंड गाइस देख सकते हो पूरा मौसम। एंड अभी मैं और जो मेरे भैया हैं हम लोग जा रहे हैं गाइस गांव में घूमने, ऐसे ही मतलब बिकॉज हम लोग मतलब जा नहीं जाते। मैंने कहा चलो मैं जाऊंगा साथ में, ब्लॉग भी बना लूंगा। सो या गाइस, सो गाइस ये हमारे गांव में एक भगवान की मूर्ति थी, सो जिनको हम लोग कहते हैं गाइस दिहारे बाबा के नाम से जानते हैं। एंड सो वही मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड गाइस मौसम काफ़ी अच्छा है, जैसे कि बूंदी भी पड़ रही है। सो यार आपसे मिलता हूँ थोड़ा आगे। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है एंड गाइस हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। एंड गाइस पीछे का व्यू देख सकते हो गाइस, पीछे गाइस तालाब है, मतलब हमारे गांव का सबसे बड़ा मतलब तालाब, यही एक ही तालाब है हमारे गाँव में। एंड गाइस यहाँ पे मतलब काली माता का स्थान है, जय माता दी। एंड मतलब जस्ट इसके इनके सामने ही ये पोखरा है, आप लोग देख सकते हो। सो मैंने कहा कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ, मतलब चले चलते हैं गाइस घर की तरफ। एंड हमने घूम लिया गांव एंड भैया ने भी घूम लिया। एंड मतलब उतना कुछ शेयर करने को तो है नहीं, यस उतना कुछ शेयर करने को तो गाइस है नहीं, मतलब जितना भी मेरे पास मतलब शेयर करने को था आप लोगों से, सो वो मतलब गाइस मैंने शेयर कर दिया। पता नहीं क्यों ना मैं जब भी व्लॉगिंग करता हूँ तो पता नहीं क्यों लोग बहुत हंसते हैं। आई थिंक मतलब उन्हें पता नहीं है व्लॉग के बारे में, सो मैं उतना मतलब माइंड नहीं करता हूँ कि मतलब हंसते हैं, इग्नोर कर देता हूँ मैं। बट गाइस कहीं ना कहीं गाइस लोग मजाक बनाते हैं, बट गाइस आई थिंक मजाक बनाना नहीं चाहिए। अब जिसको जो आता है वो तो गाइस करेगा ही व्लॉगिंग। सो मतलब मुझे मेरा मतलब बहुत मतलब मजाक उड़ाते हैं कि व्लॉगिंग करता है व्लॉगिंग करता है, बट गाइस कोई बात नहीं, मुझे गाइस बहुत अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना। तो किस तरह से मैं व्लॉगिंग करता हूँ किसी के कहने से मैं रुक नहीं जाऊँगा। तो मुझे बस यही इतना कहना था। एंड गाइस देखो बारिश भी हो रही है, देख सकते हो, ओह माय गॉड। अभी हम लोग गाइस जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि गाइस बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो मतलब बारिश हो रही है तो गाइस गीले नहीं हो जाएंगे हम लोग। तो हम लोग गाइस अभी जा रहे हैं घर पे एंड मैं दिखाता हूँ मतलब आगे क्या क्या होता है। अब देखता हूँ गाइस मैं इस ब्लॉग में क्या क्या शेयर कर पाता हूँ, बिकॉज मतलब उतना कुछ है नहीं शेयर करने को, बट यार दिखाता हूँ क्या क्या करता हूँ। मतलब अभी मुझे गाइस कोचिंग भी जाना है, तो देखते हैं मैं क्या शेयर कर पाता हूँ क्या नहीं, सो लेट्स सी। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे एंड देखो गाइस आपको बारिश की हल्की हल्की से आवाज़ आ रही होगी। एंड गाइस जो वहाँ पे झूला है हम लोग मतलब अगर शायद दिख नहीं रहा है गाइस, देखो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा, वहाँ पे हम लोग गाइस गए थे झूलने, बट गाइस बारिश आ गई तो हम लोग चले आए वापस। एंड देखो सब लोग बाहर खड़े हुए हैं एंड वो मेरा भाई एंड ये बाबू एंड भैया एंड रफी। सो अभी मैं गाइस बिक्के बैके घर पे रुका हुआ हूँ क्योंकि गाइस अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो सबसे पास में घर बिक्के बैके ही था एंड मेरा घर इनके घर से एक घर छोड़ के है। तो गाइस बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो गाइस इस वजह से मतलब मैं भाग के जल्दी से भैया के घर में आ गया। एंड गाइस बारिश आप लोग देख सकते हो बहुत तेज़ गाइस बारिश हो रही है। तो गाइस मैं आपसे एक चीज़ बताना भूल गया। एंड सो गाइस आज है गाइस गणेश चतुर्थी। सो गाइस आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी मेरी तरफ से, हैप्पी गणेश चतुर्थी। सो गाइस मैं वेट कर रहा हूँ बारिश रुकने का, तो तब ताकि मैं अपने घर पे जा सकूं। सो गाइस लग तो रहा है गाइस थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। सो गाइस हम लोग थोड़ा इंतजार करते हैं कि कब बारिश रुकेगी। एंड इससे मिल लो, हाय करो ब्लॉग में, हाय। मैं इनके घर के बगल में रहता हूँ, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं इस दुनिया में पढ़ता हूँ। ये इस दुनिया में पढ़ता है सर, ये इस दुनिया में पढ़ता है। हे भगवान क्या बताएं आजकल के बच्चे। मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। सो गाइस भैया यहाँ पे गाइस फोन देख रहे हैं। सो गाइस अभी बारिश रुक चुकी है एंड गाइस फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ। सो अभी भी लग रहा है गाइस बारिश होगी, बादल देख के लग रहा है, बट कोई बात नहीं हम लोग तो घर पे आ चुके हैं। सो यार आपसे मिल लो थोड़ा आगे, आपसे मैं मिलता हूँ आगे। ये सो गाइस घर आते सबसे पहले मुझे काम मिल गया गाइस बॉटल भरने का, तो चलो गाइस जल्दी से हम लोग बॉटल भर लेते हैं फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस बॉटल भर के रख दी मैंने फ्रिज में, डन। एंड अभी गाइस मुझे स्कूल से वर्क मिला है तो मुझे वो कंप्लीट करना है।
एंड हाँ, आज मैं रील भी शूट नहीं कर पाया बिकॉज गाइस बारिश हो रही थी, आप लोगों ने देखा मौसम कितना ख़राब था। मतलब जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया उससे मैंने मतलब थोड़ी देर पहले मैंने सोचा मैं जाऊँगा अभी रील शूट करने, बट गाइस मौसम देखा तो मौसम बहुत ख़राब था तो इसलिए मैं रील शूट नहीं किया। फिर मैं व्लॉगिंग करने लगा, देखिए व्लॉगिंग में जैसे हो नहीं पाई क्योंकि गाइस बारिश आ गई थी। सो या चलो गाइस जल्दी से हम लोग अपना जो वर्क है स्कूल का वो कम्प्लीट कर लेते हैं। सो लेट्स सी। सो गाइस फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ गाइस सीखने के लिए। सो गाइस मुझे हिंदी का वर्क कम्प्लीट करना है एंड तो चलो गाइस जल्दी से हम लोग कम्प्लीट कर लेते हैं अपना वर्क। सो लेट्स सी। सो गाइस फाइनली गाइस मैं लिख चुका हूँ पूरा एंड मतलब थोड़ा टाइम लगा लिखने में बट कंप्लीट हो गया मैंने सारा वर्क। अभी मेरा थोड़ा सा बचा है बट वो मैं बाद में कर लूँगा, बट अभी मैंने थोड़ा सा कर लिया। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ गाइस रखने कॉपी एंड बुक को और फिर एंड फिर मैं आपसे मिलता हूँ गाइस आगे। सो लेट्स सी। एंड गाइस काफ़ी देर हो चुकी है, लगभग डेढ़ या दो घंटा हो चुका है मुझे मतलब आप फ़ोन चलाते हुए, बट गाइस अब भी बारिश रुकी नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ गाइस कि मैं मतलब सोच रहा हूँ गाइस कि 4 बजे तक बारिश रुक जाए क्योंकि मुझे आज कोचिंग भी जाना है, तो कोचिंग में मतलब बहुत मेन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, मतलब मैं मिस नहीं करना चाहता 1 दिन कोचिंग बिकॉज मेरा पेपर भी आ चुका है, तो मतलब जो थोड़ी जल्दी पढ़ाई करनी पड़ रही है। सो मतलब बारिश दिक्कत नहीं लग रहा कि मैं जा पाऊँगा, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं कोचिंग जा पाऊँगा आज। सो देखते हैं आज क्या होता है। लेट्स सी। सो गाइस अभी जस्ट बारिश रुक चुकी है एंड अभी मैं गाइस थोड़ी देर में गाइस कोचिंग के लिए निकल रहा हूँ। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ गाइस कोचिंग से आने के बाद एंड मतलब अभी गाइस 4:30 बज रहे हैं, मतलब 4:25 हो रहे हैं सॉरी। सो गाइस अभी मैं 5 मिनट में निकलूंगा एंड जो मेरी क्लास है गाइस वो 4:30 से 7:30 बजे तक की है। सो मैं 7:30 बजे घर वापस आऊँगा, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ एंड सो मिलता हूँ आप लोगों से आगे। सो लेट सी। सो गाइस फाइनली मैं ट्यूशन से वापस आ गया एंड आज गाइस क्लासेस काफ़ी लेट तक चली एंड मैं काफ़ी थक गया था एंड अभी भी थका हुआ हूँ एंड मैं आते ही सीधे मतलब मैं बेड पे सो गया, मतलब अभी मैं तुरंत आ रहा हूँ एंड गाइस मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। सो गाइस सबसे पहले मैं कुछ खाऊँगा क्योंकि गाइस मुझे भूख लग चुकी है एंड फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो गाइस ये मेरी दादी हैं एंड मैंने दादी से कहा था कि व्लॉग में हाय करना, तो वो हाय कर रही हैं। बस हो गया। सो हाय गाइस। सो गाइस आज का मतलब जो दिन है वो ख़त्म हुआ एंड मैंने व्लॉगिंग शुरू किया था गाइस शाम से, जब आंधी आई हुई थी तब मैंने व्लॉगिंग शुरू किया था, बट अभी हो चुकी है रात, तो जितना शेयर कर पाया गाइस मैंने शेयर किया आप लोग के साथ मोमेंट्स मेरे एंड अब उतना कुछ है नहीं शेयर करने को एंड सो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस सोने एंड अभी वीडियो भी एडिट करनी है जो मैं अभी व्लॉग शूट कर रहा हूँ। सो वो वीडियो भी बहुत जल्द, मतलब ये वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी मेरे चैनल पर। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बहुत सारा प्यार देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बस यही कहना था एंड गुड नाइट गाइस एंड एक बार फिर से हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए चीज़।